ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी करना बनता है। मैं धन्यवाद करता, पर हाले साड़ी तसल्ली नहीं। पंजाब टुडे देखने वाले दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ डॉक्टर जिंदर सिंह। सब तो पहला आप सब नूं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होण, अते एक होर वड्डी वधाई आम लोकां ते खास तौर पर किसानां दे लई बन चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के मौके पर किसानों को एक वड्डा तोहफा दिता है। उन्होंने तीनों खेती कानून रद्द करने का ऐलान कर दिता है। सब तो वड्डी खबर है अज की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों तीनों खेती कानून रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। लंबे समय तो यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेती कानूनों लैके कुछ बोलेंगे, पर अजो जब बोले हैं तो सीधा उन्होंने कानून ही रद्द किए हैं। हालांकि विरोधी धिर वालों प्रधानमंत्री मोदी के अज के इस ऐलान से सवाल भी चुके जा रहे हैं कि चुनावी माहौल होने करके ही प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा या केंद्र सरकार को अज अपना फैसला बदलना पड़ा है। विरोधियों वालों ये सवाल चुके जा रहे हैं कि जेकर कानून रद्द करने सन तो इन्ना लंबा समा उड़ीक क्यों की गई, इन्ने किसानों की शहादत क्यों करवाई गई, अते होर जो घटनाक्रम कदी किसानों नू अतवादी कहा गया, कदी नक्सली कहा गया, कदी अंदोलन जीवी तक कहा गया, तो अजिहे नाम तक क्यों दिते गए, विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से अज सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तुहानू पहलां सुणाउंदे हां कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के मौके पर खेती कानूनों को लेकर की क्या है। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे, अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद
हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तुम दस दिए कि बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खेती कानूनों रद्द करने का फैसला ले लिया है, पर उधर किसान जथेबंदियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जदों तक उन्होंने हाथ में फैसले की कापी नहीं आएगी उदों तक वो सरहदों से पहला वाग ही डटे रहेंगे। नाल ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज ले गए इस फैसले का स्वागत भी किया है। बड़ी गल है भी जेडे 3 काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए से अज प्रधानमंत्री ने खुद मनिया भी वह साढ़े को गलत काम होया और वह कानून वापस ले जाएंगे। सारे खुशी की लहर है, खुशी होनी भी चाहिए है। तुसी जिस तरह घालना काली, जिस तरह सारी दुनिया च बैठे लोगों ने इस मोर्चे नूं सपोर्ट किया, जिस तरह इस देश विच बैठे सारे लोगों ने इनू हुंगारा दिता, उहदा नतीजा भी अज सरकार नूं अपनी गलती मननी पई है। फिर भी उहदे लई जो भी गलती देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उहदे लई उहनां दा धन्नवाद भी करना बनता है, मैं धन्नवाद करदा। पर हाले साड़ी तसली नहीं, हालां तक MSP दे उत्ते प्रधानमंत्री ने मूँह नहीं खोलिया उहदा कानून किवें बनाउणा है। और जिनी देर तक पार्लीमेंट विच ये पास नहीं हो जाता, उन्होंने कहा असीं पार्लीमेंट च पास करांगे, कर देण पास असीं धन्नवादी होवांगे और असीं फिर पास होने तो बाद ही उठांगे। पर नाल ही उहदे जिहड़ी मेन मंग है जिहड़ी, क्योंकि पंजाब और हरियाणे की MSP की प्रॉब्लम नहीं, देश के बाकी सूबों के जिन्हें भी किसान ने उन्हों का बहुत वड्डी पद्धर से शोषण हुंदा है। जिनी देर तक MSP का कानून नहीं बनता उन्होंने राहत नहीं मिलनी, इस करके MSP के कानून बारे हले गल बाकी है। इसनू ठीक है, खुशी मनाउणी बनती है, पर जिनी देर तक MSP का कानून नहीं बनता और ये सारे जिहड़े ऐलान किए गए ने 3 कानून वापस लैण दे, इन्हां नूं पार्लीमेंट दे विच पास नहीं किया जाता, उदों तक साडा मोर्चा जारी रहेगा। असी उदों ही उठ के जावांगे जदों पार्लीमेंट दे सैशन च सारा कुछ, सारियां मंगां प्रवान करन दा ऐलान नहीं हो जाता। तो मैं फिर एक बारी तुहानूं गुरपुरब की लख लख वधाई और तुहाडी गल नूं ठीक मनण वास्ते प्रधानमंत्री दा ये ऐलान कि वह कानून वापस लैणगे उहदे लई उहनां दा बहुत बहुत धन्नवाद और तुहानूं सारिआं नूं उहदी वी वधाई। हुण देखण वाली गल होवेगी कि 2022 दीआं विधानसभा चोणां नूं ध्यान च रख के किए गए इस फैसले का आने वाले समय के भाजपा पंजाब दे विच किन्ना कु फायदा हुंदा है।